गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग आर सी आई एजुकेशन हब। इन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन टू यू। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथ प्रैक्टिस। इन दिस मैथ प्रैक्टिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट 10th क्लास मैप ऑफ रिवर्स। In this video, we are talking about the which are the rivers are important for your map, because you know very well about in 10th class there are 6 number question has came related to your map task. So you have to complete your map with this video. So let's start with your map, or let start with your video. So first of all, we are trying to understand about these all diagram. If you are unable to see in clearly, so you have to pause the video and try to understand what I said to you, what I dictate to you. So with the help of your address or with the help of your map paper, you can fill all the things. And one more thing is that you have to paste your notebook also, because this is a very important map for your exam pattern also. So let's start now. अगर इस इंडिया की मैप की अगर बात करें तो इंडिया के मैप में मैंने जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स आपके एग्ज़ाम में मोस्टली आती रहती हैं, जो बार बार आती है, उन्हीं के बारे में आज आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया के जो जम्मू कश्मीर वाला, ये मैंने छोटा इसलिए बना दिया क्योंकि आपके स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख पाया, इसलिए मैंने इसको छोटा बना दिया। इसका लेआउट भी अच्छे से नहीं बन पाया, तो इट्स नॉट इवन मैटर डैट यू हैव मैप इन योर हैंड और स्पेशली इन योर बुक, सो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन स्पेशल और व्हाट इज़ द पर्टिकुलर लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशंस। सो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे जो आपके 5 रिवर्स आर फ्लोइंग आर देयर, सो सबसे ऊपर वाली इंडस होती है, सेकंड पे आपके झेलम होती है, थर्ड पे चिनाब हो गया, फोर्थ पे आपकी रावी हो गया, सतलुज हो गया। दीज आर 5 रिवर्स, इट्स ऑल्सो फ्लोइंग इन आवर पंजाब एरिया। अगर जो हम पाकिस्तान की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, जो उसमें 5 ही नदियाँ बहती हैं, तो वो नदियाँ आपकी यहाँ पे हैं। ये आपके जम्मू कश्मीर से भी, श्रीनगर से होते हुए भी आपकी इंडस आती है। ओके, ये आपके 5 रिवर्स होगी। उसके बाद हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में आपका राणा प्रताप सागर और गोविंद सागर आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बेटवा जो रिवर आती है, और उसके साथ साथ अगर आपने 9th क्लास का जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट पढ़ा, तो उसमें अभी उस पार्ट में भी आपके क्या था कि आपके यहाँ पे सतलुज है, नहीं सॉरी चंबल है, सिंध है, केन है, बेटवा है, वो रिवर्स आपके यहाँ पे दी गई है, और साथ साथ में आपके अरावली रेंज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे इसमें थी। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आए हम, तो नीचे आने के बाद भी आपको नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा रिवर मैंने आपको बताया था या आपने देखा भी होगा कि जो आपका डेक्कन प्लेटू है, उस डेक्कन प्लेटू के ऊपर नर्मदा रिवर बहती है। उसी के साथ साथ में आपके तापी रिवर है, और थोड़ा सा आगे जाके हम बात करें तो वहाँ पे पेन गंगा भी रिवर आपके यहाँ पे बहती है। थोड़ी सी आगे हम बात करें, हमारा जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे, वो वहाँ पे कृष्णा रिवर आपके यहाँ पे बहती है। कृष्णा रिवर आपके महाराष्ट्र से नीचे जो कर्नाटका केरला वाला इलाका है, वहाँ पे आपके यहाँ पे कृष्णा रिवर बह रही है। साथ साथ में साउथ की अगर बात करें तो साउथ में आपकी कावेरी रिवर फ्लो हो रही है। अगर बात करें इधर वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में जो आपकी इंपॉर्टेंस है, वो आपकी महानदी है। महानदी के साथ साथ में हम हिमालय वाले एरिया की बात करें, तो हिमालय वाले एरिया में आपकी कौन कौन सी रिवर आपके यहाँ पे ओरिजिनेट है, तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को अटैच करने के बाद आपकी यहाँ पे रिवर बनती है, उसको बोलते हैं हम गंगा रिवर। गंगा रिवर के साथ में यहाँ पे एक यमुना रिवर भी आपकी आती है, जैसे कि यमुना रिवर के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया, ये गंगा रिवर हो गया। ये सारी जो रिवर्स हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ बैक की हुई है, तो ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, तो ये ट्रिब्यूटरीज क्या थी, आपकी गग्गर, गंडक, शोण, ये जो सारी जो रिवर है, ये गंगा नदी की या जो गंगा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके साथ साथ हम बात करें आगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आपके यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी का जो संगम बनाती है, ट्रिब्यूटरीज का जो आपका मर्जर करती है, वो आपकी कौन कौन सी है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। क्योंकि आपके यहाँ पे 3 जो रिवर्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडस हो गई, दूसरी होगी गंगा और तीसरी होगी ब्रह्मपुत्र। इन्हीं के कंपोजिशन से या इनके जहाँ पे इनका मिलान होता है, वहाँ पे नॉर्थन प्लेन बनता है। तो हम बात करते हैं, ये आपके यहाँ पे जो नॉर्थ कंट्री में जितनी भी जो कंट्री, जैसे आपके यहाँ पे चाइना हो गई, नेपाल हो गई, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर वो स्टार्ट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपको इंडिया में, जब इंडिया में एंटर करती है, तब वो जाके ब्रह्मपुत्र कहलाती है, पर इंडिया से जब बाहर होती है, तो वो सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। अगर बात करें चाइना हो गया, भूटान हो गया, उधर
जो ये रिवर बहती है तो उसको शांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही वो इंडिया में आसाम वाले इलाके में, आसाम वाला इलाके में कौन सा दिहांग और दियाबांग जो एरिया है उधर से जब वो आती है तो वो ब्रह्मपुत्र वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे वो नदी है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और मैंने जब आपको बताया था, ये आपने 9th क्लास में देखा होगा, 9th क्लास में जो इंडिया में जो ग्रेट हिमालय का जो कंटेंट आपने पढ़ा था, तो हिमालय जहाँ पे कंप्लीट होता है तो वहाँ से ये आपके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आती है, और वो इसी को पूर्वाचल बोला गया था। तो ये ब्रह्मपुत्र वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे महानदी हो गई, ये सारे सारे जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स आपके एग्जाम कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और एक साथ ये भी करना कि इन रिवर्स को आपको करना क्या, इन रिवर्स के मैप को आपकी नोटबुक में अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना। सो ये आपका जो कंटेंट है ज्योग्राफी का, जो चैप्टर नंबर शायद 3rd है, इस चैप्टर 3rd में जितनी भी जो आपकी जो वाटर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है तो उसमें आपकी ये रिवर्स दी गई, तो इस रिवर्स को आप कंप्लीट अच्छे से कर लें, क्योंकि यह चैप्टर आपके यहाँ से COVID-19 की वजह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया। पर सिलेबस से हटाने का मतलब हो गया कि उसके एक्सरसाइज हटा दिए गए। मैप आपका आएगा तो मैंने आपको मैप बना दिया है, बता दिया है, ये मैप आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का होगा, तो आज आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे।